हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋषभ पाठक। हाँ जी गाइस, तो देख सकते हो आप मेरे पीछे मैं अभी कहाँ पे हूँ। सो फाइनली गोलघरना ओपन होने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। बहुत दिनों से हमारा गोलघर बंद था, बहुत सालों से। तो बहुत सारे लोग इंतजार करते थे बाहर में। हमारे बिहार का ना बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग घूमने आते हैं ऐसे। ठीक है, लोकेशन बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं पे भी गोलघर डालते हो तो पूरी डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, लोकेशन, डायरेक्शन, सारी चीज़ें मिल जानी है। ठीक है, और हाँ आगे चलिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स में दिखाती हूँ और आगे मैं डेट भी आपको बताने वाली हूँ कि कब से गोलघर के सीढ़ियों पर आप चढ़ के और पूरा पटना देख सकते हो। सो आप देख सकते हो पूरे में ना पूरा बांस वांस लगा रहता था। हम लोग इस रोड से जाते थे ना तो देखते थे हमेशा। ठीक है, बट अभी के टाइम में सारा चीज एकदम फिनिशिंग हो चुका है। आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ गोलघर। बचपन में हम लोग आते थे ना तो मम्मी बोलती थी पूरा पटना यहाँ से दिखता है, बट बड़े हुए ना तो पता चला पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें आप ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, एंड हाँ आप लोग को अगर पता है कि इसमें कितनी सीढ़ी है तो कोई बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मुझे बताना कि गोलघर में कितनी सीढ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, अगर आप लोग बताओगे तो मुझे खुशी होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कार्य प्रगति पे है, गोलघर पर चढ़ना मना है, बट बहुत जल्दी मना करना हटा दिया जाएगा ये सब पोस्टर, बहुत जल्दी आप चढ़ पाओगे। अगर मैं डेट की बात करूँ ना तो 15 या फिर 16 मार्च को ये ओपन हो जाएगा फाइनली हमारा गोलघर। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है, पटना की शान है ये। ठीक है, आइए मैं आपको गोल गोल पूरा गोलघर के घुमा के दिखाती हूँ। वाह, ऊपर दिखाइए थोड़ा सा। पुराने ज़माने में ना अंग्रेज लोग इसमें हथियार वगैरह रखते थे, बट अब इसको ना मतलब एक टूरिज्म प्लेस में बदल दिया गया है। अब नहीं, बहुत साल पहले। दो गेट है, एक उस साइड से और एक इस साइड से, देख सकते हो। एक सीढ़ी के पास आपको गेट मिल जाएगा और एक यहाँ पे अंदर में आप देख सकते हो पुराना गेट है जो कि पूरा झंखड़ हो चुका है। तो इधर ये वाला गेट है न्यू लगा है एकदम, क्योंकि ये वाला गेट पहले नहीं था और पूरा मरम्मत किया जा चुका है। देख सकते हो इस तरीके से उर्दू में वहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सो देख सकते हो ये रही हमारी सीढ़ी, यही से हम लोग अंदर ऊपर पूरा गोलघर के चढ़ने वाले हैं। देख सकते हो, मैं ना एक बार बचपन में आई हूँ यहाँ पे चढ़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, पूरा घुटना दर्द कर दिया था उस टाइम, लेकिन अब तो एकदम मज़े में चढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, खास करके बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा छोटा सा ताला लगा हुआ है जो कि 15-16 तारीख को खुल जाएगा। एंड गाइस, गोलघर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस साइड आपको पूरे में ना पार्क दिखने वाला है और पार्क में बच्चों के लिए झूला भी लगवाया गया है ताकि बोर बिल्कुल भी फील ना हो बच्चों के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह ये बनाई गई है, देख सकते हो बहुत सारे बच्चे झूले झूल रहे हैं और बड़े लोग भी झूल सकते हैं, हम लोग भी अभी झूले थे इसमें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही था ओवरऑल व्यू। जब ओपन होगा ना तब मैं जरूर आऊँगी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। चलिए गाइस, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।